हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नेचुरल ब्यूटी सॉल्यूशंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ मोना। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि चावल का पानी हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है? जितना ये हमारी इंटरनल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, उतना ही एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए भी लाभकारी है। एक्सटर्नल ब्यूटी से मेरा मतलब है कि हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। चावल के पानी का उपयोग कोरियन एंड जैपनीज लोग सदियों से अपनी रेसिपीज में करते आ रहे हैं, वेदर इट इज़ हेल्थ रेसिपी और ब्यूटी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि चावल के पानी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो चावल का पानी है, इसको हम काफ़ी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक होता है सोकिंग मेथड, एक होता है बॉइलिंग मेथड और एक होता है फर्मेंटेशन टेक्निक। तो सोकिंग मेथड में हम चावल को काफ़ी देर तक सोक करके रखते हैं, उसके बाद उसको स्ट्रेन करके उसका पानी जो है उसको यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन में भी चावल को काफ़ी 3-4 दिनों तक हम सोक करके रखते हैं, उसके बाद हम यूज़ करते हैं। बॉइलिंग मेथड सबसे ईजी है, इसमें इमीडिएटली हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। चावल को बॉयल कीजिए और उसके बाद जो राइस वाटर बच जाता है उसको स्टोर कर लीजिए और उसको आप अपनी हेल्थ एंड स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ मेथड चावल के पानी को यूज़ करने के लिए। उसके बाद मैं आपको कुछ बेनिफिट्स इसके बताने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ड्राई स्किन की। फ्रेंड्स, जो भी हम शैम्पू, कंडीशनर, फेस मास्क, फेस पैक वगैरह यूज़ करते हैं, तो कई बार इनमें मौजूद केमिकल्स की वजह से हमारी स्किन पे काफ़ी इरिटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं। स्किन ड्राई भी हो सकती है, स्किन रफ भी हो सकती है। तो जो चावल का पानी है वो आपकी स्किन को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट देता है, इरिटेशन से रिलीव कर देता है एंड आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट कर देता है। तो चावल के पानी को आप अफेक्टेड स्किन पे, अफेक्टेड एरियाज़ में या तो कॉटन की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर आइस क्यूब्स बना लीजिए, चावल के पानी को जमा लीजिए आइस ट्रे में, उसके बाद उसे स्किन पे आप यूज़ कर सकते हैं। राइस वाटर का सेकेंड बेनिफिट स्किन के लिए ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यस, एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि राइस वाटर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी स्किन को यंगर दिखाना है, बूढ़ा जल्दी नहीं दिखना है, तो अपने फेस पैक्स में, अपने फेस वॉश में और अपने फेस मास्क में राइस वाटर का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसके बाद बात करते हैं स्किन ब्राइटनिंग की। फ्रेंड्स, जापान एंड कोरिया के लोग सदियों से राइस वाटर का यूज़ करते आ रहे हैं अपने ब्यूटी रेसिपीज़ में, क्योंकि राइस वाटर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्किन के ब्लेमिशेस को दूर कर देते हैं, ब्लैक स्पॉट्स को रिमूव कर देते हैं और स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन बनाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिनमें मैंने राइस वाटर का यूज़ किया है, राइस फेशियल किया है एंड राइस को वैसे भी फेस मास्क और फेस पैक के लिए यूज़ किया है। तो वहाँ से मैं उन वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। आजकल मार्केट में भी कई सारे राइस क्लींजर्स, राइस टोनर्स, राइस सोप्स एंड राइस शैम्पूज आए हुए हैं। तो ये जो राइस का यूज़ है स्किन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ही प्रिविलेंट हो गया है। जैसा कि मैंने बताया कि राइस को बहुत सारी कंपनीज क्लींजर एंड टोनर के रूप में भी यूज़ करती हैं, बट आप खाली राइस वाटर को अपनी स्किन क्लींस करने के लिए और टोन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइस वाटर में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल क्लींजर एंड टोनर का काम करता है। ये स्किन के पोर्स को क्लीन कर देता है, उनको टाइट कर देता है। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो राइस वाटर का रेगुलर यूज़ कीजिए। राइस वाटर से बने आइस क्यूब्स का अपने स्किन पे दिन में 2 बार यूज़ कीजिए, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं राइस वाटर के हेयर बेनिफिट्स के बारे में। राइस वाटर में विटामिन ए, सी, डी एंड ई होता है, जो कि बालों की शाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये रफ, ड्राई एंड फ्रिजी हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देता है। तो आपको करना क्या है, एक स्प्रे बॉटल या फिर कॉटन की हेल्प से राइस वाटर को अपने स्कैल्प पे, अपने बालों में अप्लाई करना है। उसके 1 घंटे बाद आपको अपने बालों को
शैम्पू और कंडीशनर से वॉश कर लेना है, आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनिंग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, राइस वाटर का नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ये अपसेट स्टमक की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकता है। राइस वाटर को कंज्यूम करने से डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये एक बेहतरीन समर ड्रिंक है जो कि आपकी बॉडी से एक्सेस हीट को निकाल के आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। फ्रेंड्स, राइस वाटर को आप अपने बाथ वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। अपने बाथ टब में आप थोड़ा सा राइस वाटर ऐड कर दीजिए। राइस वाटर बॉडी को रिलैक्स कर देता है एंड टेंशन एंड फैटीग को कम कर देता है। तो नहाते वक्त ये दिमाग को शांत करने के साथ साथ आपकी स्किन को भी रिफ्रेश एंड रिजुनोवेट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि राइस वाटर हमारी स्किन और हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आप नेक्स्ट टाइम किचन में चावल बनाते हैं तो चावल के पानी को फेंकिए मत, उसे स्टोर करके रखिए। आप फ्रिज में 7 से 8 दिन तक राइस वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और किसी भी तरह से चावल के पानी को अपनी स्किन पे अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और चावल के पानी के साथ बना सकते हैं बहुत सारे DIY फेस पैक्स, फेस मास्क, हेयर पैक्स एंड हेयर मास्क। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल नेचुरल ब्यूटी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।